मनी फाउंड सीक्रेट रूम अंडर ट्री। एक बार एक चोर एक थैली के साथ भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस वाले पड़े थे। वो दीवारें खोदकर घरों पे चढ़ के कूद कर भागने लगा था, फिर भी पुलिस वाले उसका पीछा करना नहीं छोड़े। वो ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से भागने लगा। वहाँ पर पुलिस वाले आकर देखे तो वो दिखा नहीं। वहाँ पुलिस वालों को पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिखा। इस वजह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं सके और पीछे मुड़कर चले गए। बाद में ऊपरी अधिकारी उन पुलिस वालों पे पुकारने लगा, क्या भाई तुम्हें शर्म नहीं है क्या? वो मुन्ना फिर से भाग गया है, तुम उसे पकड़ नहीं पाए? उतना दूर पीछा करे बोल रहे हैं ना, वो आखिर में कैसे मिस हो गया? ठीक से ढूंढे क्या? कहा विक्रम तब। हाँ सर, वो मिल गया है कहकर सोचे थे, मगर वो कैसे गायब हो गया पता नहीं चल रहा है सर। कहा अधिकारी। विक्रम तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, एक महीने के अंदर उसे पकड़ना होगा, नहीं तो तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, कहकर धमकाया। एक बार फिर से मुन्ना चोरी करके भागने लगा तो गहनों के दुकान का मालिक विक्रम को फोन किया। ऐसे विक्रम मुन्ना के पीछे पड़ने लगा। दोनों एक से बढ़कर एक तेजी से भागने लगे। हरदम के जैसे ही मुन्ना पेड़ों के पास आया, वहां पर एक पेड़ के बिल में थैली को फेंक कर वो भी उसके अंदर गया। अंदर एक सीढ़ी भी थी, उसके मदद से वो नीचे उतरा। वहाँ पर एक कमरा था, उस कमरे में हर तरह के सहूलतें थी, रूम भर के पैसों की गड्डियां भी थी। वो अकेला अच्छे से दारू पी के भोजन करके टीवी देखकर आराम से सो गया। विक्रम को दो बच्चे थे, राम और स्वीटी। दोनों ज्यादातर हाइड एंड सीक गेम खेलते थे। एक बार दोनों हाइड एंड सीक गेम खेलने के लिए जंगल में गए। वहां स्वीटी राम के लिए ढूंढ रही थी। राम जाकर उस पेड़ के बिल में घुस गया। अंदर उस सीढ़ी की मदद से वो नीचे उतरा। अंदर मौजूद उस कमरे को देखकर राम आश्चर्य में पड़ गया। ए स्वीटी, मैं यहाँ पेड़ के अंदर हूँ, यहाँ मस्त है, तुम भी आओ, कहकर जोर से पुकारा। उसकी बातें राम को ढूंढ रहे स्वीटी को सुनाई दिए। स्वीटी भी सीढ़ी को पकड़कर नीचे उतरी। इतने में किसी के आने की आहट होने के कारण दोनों डर के अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगे। तब मुन्ना अंदर आया, आकर पैसों को वहां पर रखकर दारू पीकर बिरयानी खाकर फिर से हड़बड़ी में चला गया। उसे जाते हुए देखकर दोनों मारे डर के बाहर आकर वहां से भाग गए। शाम को घर में दोनों खेलते हुए पिता के फाइल्स को देखने लगे थे, उसमें मुन्ना की तस्वीर थी। ये देखकर विक्रम गुस्से से, ए तुम्हें मेरे फाइल्स को छूने से कितनी बार मना किया था, उन फाइल्स को वहां रखकर बाहर खेलो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, कहा। स्वीटी तब, पिताजी इस फोटो में कौन है, कहकर फोटो दिखाई। विक्रम तब, ओह वो एक बड़ा चोर है, उसके वजह से ही अब मेरी नौकरी खतरे में है, क्यों पूछ रही हो, कहकर गुस्से से पूछा। राम तब, हमने इसे देखा पिताजी, कहा। विक्रम, व्हाट तुम क्या बात कर रहे हो, कहकर पुकारा। तब दोनों बच्चे जो बीता वो सब पिता से बताए। बच्चे पुलिस वालों को लेकर उस पेड़ के पास आए, उस पेड़ के बिल को दिखाए। बस दो पुलिस वाले आरी से उस पेड़ को काटे तो वो गिरकर पेड़ के अंदर की सीढ़ी दिखाई दी। सब उसे पकड़कर नीचे उतरे। पुलिस वालों को देखकर मुन्ना दंग हो गया। पुलिस वाले उसे पकड़कर खूब मारे। ऐसे वो जेल गया। उसकी नौकरी को बचाने के लिए विक्रम बच्चों को धन्यवाद कहा।